आने जो जो लिस्ट है, फेहरिस्त है, बहुत बड़ी है। आपने देखा फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला भी, मुफ्तीज और द्राबूज, ये सब आएंगे। और मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि आने वाले समय में इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, सबको जेल जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, कम इसलिए हैं क्योंकि 2014 में मैंने कोर्ट में कानून को चुनौती देके कानून को स्टे करवा दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ मंत्री बैकडेट में कुछ चीजें करवा गए। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा के अब्दुल गनी कोहली, उनके ऊपर हमने कोर्ट में यह प्रूव करवा दिया है कि 10 कनाल से अधिक स्टेट लैंड पे इलीगल उनका कब्जा है। आने वाले कुछ दिनों में उनपे FIR, उनके जेल जाने का रास्ता भी हम साफ करेंगे। आप ये देखेंगे क्रॉस पार्टी लाइन कोई नहीं बचेगा। एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं, खासकर हीरानगर हमारी बेल्ट में, जो खासकर बॉर्डर पे जो किसान लोग रह रहे हैं, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रोशनी जजमेंट का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट यहां के किसानों पे नहीं होगा। उनको मालिकाना हक दिलवाने के लिए अंकुर शर्मा पूरा संगठन यहां पे खड़ा हुआ है। वो किसान जिनके पास स्टेट लैंड है हमारे बॉर्डर एरियाज में, हमारे अपने लोग जो पिछले 60 साल से, 70 साल से, 50 साल से खेती कर रहे हैं, उन पे रोशनी कानून के बाद उनसे सरकारी जमीन वापस नहीं ली जाएगी। मैंने कई लोगों को ये यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन कई लोगों को सांझी मोड़ के, मढ़ीन के लोगों को जमीन के मालिकाना हक, जो अभी तक स्टेट लैंड थी, सरकारी लैंड थी और खेती बाड़ी वाली जमीन थी, उसके मालिकाना हक दिलवाने के लिए कोर्ट में केस भी किया और कोर्ट से रिलीफ भी लाके दिया। उनकी जमीनें प्रोटेक्टेड हैं। तो किसानों को, हमारे जो लोग हैं यहाँ पे, उनको रोशनी से, रोशनी जजमेंट से, या वो स्टेट लैंड के ऑक्यूपेशन में, इस चीज से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उनको उनके मालिकाना हक दिलवाने का काम हम कांत कुमार जी मिलकर साथ में करेंगे, और इसके लिए लीगल तरीका है जो हम कर भी चुके हैं। और दूसरी चीज है, अगर हमारे किए गए कामों को लेके वो अपनी कोई बड़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम हमें ही फॉलो कर रहे हैं, हमारा ही मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी तुच्छ हरकत पे मैं कोई बयानबाजी करना समझता नहीं। पूरी जनता को ये मालूम है, पूरे जम्मू संभाग को, अब तो पूरे राष्ट्र को ये मालूम हो गया कि ये लड़ाई किसने लड़ी, कैसे लड़ी छे। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये लाना चाहता हूँ बात, कल नेशनल टीवी पे डिबेट के समय पे भी मैंने ये बात लाई थी कि भाजपा ने 6 साल इस लड़ाई में कोर्ट में लिखित में दे के हमारा विरोध किया। भाजपा ने लिखित में ये कहा कि रोशनी स्कैम में CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा का टेक था एज ए गवर्नमेंट इन हाईकोर्ट। और भाजपा ने यह भी कहा कि रोशनी कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर नहीं किया जाए। तो देखिए, ये आने वाले दिनों में बहुत सारे स्केलेटन्स विल टंबल आउट ऑफ द कबर्ड एंड यू विल सी। आप ये देखेंगे कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी, इनके पार्टी के नेता जो मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रहे, वो भी इस घोटाले में जेल जाने से नहीं बच पाएंगे। सर, ये हमें मुकाबला करने की जरूरत, मुकाबला उसका किया जाएगा जिसकी कोई ताकत है। आज की डेट में भाजपा की जमीन पे कोई ताकत रह नहीं गई है, इसीलिए इन्हें बाहर से इंपोर्टेड पुतले लाने पड़ रहे हैं। यहाँ की जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है, उनमें भाजपा का स्वयं विश्वास नहीं है। तो अल्टीमेटली बाहर से लोग ला के यहाँ पे दिखाने का काम होगा, नाच गा के चले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांत कुमार जी जैसे और लोकल जो लोग जो जमीन पे रह के काम कर रहे हैं, या स्टेट लेवल पे हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता पूरा मन बना चुकी है कि ऐसे ही लोगों को विजयी बनाया जाएगा।